नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 जुलाई 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं आज क्या विशेष रहने वाला है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, आज हम भी अपने गुरुदेव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। आइए गुरु मंत्र से हम शुरुआत करते हैं पंचांग की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए शुरू करते हैं पंचांग। वार शनिवार, विक्रम संवत 2478, शक संवत 1943, माह आषाढ़ माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, दोपहर 12:40 तक रहेगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग विष्कुंभ योग, जो कि एक अशुभ समय है, सुबह 6:41 तक रहेगा, उसके बाद प्रीति योग लग जाएगा जो कि एक शुभ योग माना गया है। करण बवकरण सुबह 8:06 तक, उसके बाद बालवकरण जो कि शाम 6:55 तक रहने वाला है। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:42, सूर्यास्त शाम 7:12, सूर्यदेव कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय शाम 7:51, चंद्रास्त अगले दिन सुबह 6:55, चंद्र राशि मकर राशि रहने वाली है। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से 4:54। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में अपने इष्ट भगवान का नाम का जाप मंत्रों जाप अवश्य करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त 12:00 से लेकर 12:54, किसी भी शुभ कार्य के लिए अभिजित मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया। आज आनंद योग चर योग रहने वाला है जो कि दोपहर 2:11 तक रहेगा। आइए बात करते हैं दिन के चौकड़िए की। सबसे पहले सूर्योदय से प्रारंभ करते हैं काल का चौकड़िया 5:42 से सुबह 7:23, अशुभ समय है। काल के बाद शुभ का चौकड़िया 7:23 से 9:05, शुभ समय है, अच्छा समय है। शुभ के बाद रोग का चौकड़िया 9:05 से 10:46, रोग का चौकड़िया अशुभ समय की गिनती में आता है। रोग के बाद उद्वेग 10:46 से 12:27, इस उद्वेग में भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। उद्वेग के बाद चर जो कि सामान्य समय है 12:27 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। चर के बाद लाभ 2:08 से दोपहर 3:50, अच्छा समय है, शुभ समय है। कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डील या कोई बिजनेस की बड़ी डील आप करना चाह रहे हैं, लाभ का चौकड़िया अच्छा समय है। लाभ के बाद अमृत 3:50 से शाम 5:31, अच्छा समय है, शुभ समय है। अमृत के बाद काल 5:31 से शाम 7:12, यह शुभ समय माना गया है। शुभ का चौकड़िया, लाभ का चौकड़िया, अमृत का चौकड़िया अच्छे समय माने गए हैं, शुभ समय माने गए हैं। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और गुलिक काल। राहु काल और गुलिक काल ये दोनों समय अत्यंत अशुभ माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य इन दोनों समय में हमें शुरू नहीं करना चाहिए। राहु काल सुबह 9:00 से लेकर 10:30 तक रहेगा, गुलिक काल 6:00 से लेकर 7:30 तक रहेगा। सुबह दोनों समय में हमें शुभ कार्यों का त्याग करना चाहिए। आइए बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले दिशाशूल का परिहार अवश्य कर लें, यानी आज के दिन उड़द से बने हुए पदार्थों का सेवन करके आपको यात्रा करनी चाहिए। आइए बात करते हैं चंद्रबल, यानी कौन कौन सी राशि आज शुभ राशियाँ रहने वाली हैं और किन राशि वालों को आज सावधान रहने की जरूरत है। तो आज की शुभ राशि है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन। ये सभी राशियां आज शुभ राशियां रहने वाली हैं, बाकी राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर, जन्म राशि और जन्म पाया क्या रहने वाला है। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर रहेंगे ज, जी, खी, खू और खे। इनकी सबकी मकर राशि रहने वाली है और जन्म का पाया ताम्र का पाया रहने वाला है। धन्यवाद।